वेलकम बैक बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आर्क सर्वाइवल वॉर द इंटरनल एडिशन के एक और खतरनाक वाले एपिसोड में। भाई आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, भाई जब से ये करप्ट हुआ है तब से भाई बहुत मुश्किल हुई है मुझे सब कुछ वापस लाने में। एक्चुअली मैं पता है ब्रूड मदर वाला नहीं था, उससे पहले का था जब हमने पता है क्या टेम किया था, शायद हमने ये कहाँ से भाई आ गया है इधर, शायद हमने जब ये गोरिल्ला को टीम किया था ना तब से है। उसके बाद भाई मैंने आज मैंने सुबह से लेके क्या क्या टीम किया, ये मैंने आउल के सारे टीम कर लिए, फिनिक्स मैंने टीम कर लिया, अभी तक किसी को भी भाई लेवल अप नहीं दिया है, ठीक है, सब नॉर्मल लेवल के, अभी तक लेवल अप नहीं दिया। ब्रूड मदर को टीम कर लिया है, ठीक है, और भाई मिडनाइट को टीम किया क्योंकि मिडनाइट को टीम करना बनता है, कुछ नहीं करना होता है, आपको प्राइम ग्रिफिन को ढूंढना है, प्राइम ग्रिफिन को जैसे ही टपका दोगे तो मिडनाइट स्पॉन हो जाएगा, तो भाई वो हो गया। और ये गोस्ट वाइब्रेंट प्राइम वाइब्रेंट को मैंने मारा था और एक अल्फा वाइब्रेंट को मैंने मारा था तब जाके ये स्पॉन हुआ था, तो भाई ये भी मैंने टीम कर लिया क्योंकि यार ये कुछ चीज़ें थी, मतलब कुछ डायनोज ऐसे थे जो मेरे फेवरेट थे जिन्हें मैं टीम करना चाहता था और मैंने टीम किया। और भाई देख लियो आप, मेरे पास ना ही नोवा, मतलब क्या बोलते हैं, तेरा नोवा भी नहीं है, आर्मर डार्क स्टार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी तक मेरे पास क्योंकि सब कुछ चला गया है। और आपको एक चीज़ यहाँ पे याद होगी कि यहाँ पे आपको याद होगा कि यहाँ पे वो रखा हुआ था गॉड सरेन करके, राइट, तो वो भी नहीं है मेरे पास, तो मैं ये सारा का सारा काम ऑफ कैमरा में करूँगा। मेरे पास ड्रैगन भी नहीं है, आपको याद होगा हमारे पास एक ड्रैगन था करप्टेड वाइब्रेंट था, वो कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि यार मेरा करप्ट हो गया था सेव, तो मेरे को बैकअप जो सेव था उसमें से ये लेना पड़ा और बैकअप से बहुत 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 पुराना था, तो यार मेरा टेक्सूट भी चला ही गया है। सो सैड फॉर मी, प्रे फॉर मी कि मैं जल्दी ही रिकवर कर लूँ, पर यार डोंट वरी गाइस। और हाँ गाइस, अगर देखो हमारे चैनल पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, आप बोलोगे कितनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, पर भाई चार सीरीज स्टार्ट होती रहती है हमारे चैनल पे, आर्क ओमेगा ख़त्म हो गई थी इसकी वजह से मैंने आर्क मेगा मॉडर्न गॉडज़िला सीजन 2 स्टार्ट किया है। और जिसने भी अभी तक उसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो यार जल्दी जल्दी जाओ रे बाबा, लाइक करो उस एपिसोड को क्योंकि उस वीडियो उसका लाइक टारगेट है 20+ लाइक टारगेट, और आई होप आप लोग सब लोग करवा दोगे। और मैं इतना बोलता हूँ फर्स्ट एपिसोड से पूरी सीरीज को जज मत करना क्योंकि भाई उसमें ओपी डायनोज आएंगे और उसके अंदर 45+ मोड्स हैं, 45+ मोड, कैन यू बिलीव इट, 45+ मोड हैं उसके अंदर, तो यार जल्दी जल्दी जाओ यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और वो एपिसोड देखना तो मत ही भूलना, आई बटन पे लिंक मिल रहा होगा, जल्दी से जाओ और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि 300 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा ही करीब है हम लोग। तो गाइस आज हम देखते हैं कि कोई स्पेक्ट्रल वाला डायनो स्पॉन हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, स्पेक्ट्रल ग्रिफिन हुआ है 10, 35, 79, 18। ओके तो गाइस आज एक काम कर लेते हैं, स्पेक्ट्रल वाले ग्रिफिन को ही टेम कर लेते हैं क्योंकि यार बहुत टाइम हो गया भाई हमने कोई स्पेक्ट्रल वाली चीज़ें टेम नहीं की है, और बाकी सारे जो डाइनोज हैं मैं उनको ऑफ कैमरा में टेम कर लूँगा। और देखो गाइस आउल वाले जितने भी हैं, ठीक है, आउल वालों का सबका नाम वापस कमेंट कर दो क्योंकि यार उस लास्ट एपिसोड में जो आउल वाला था उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट नहीं आता, तो यार इस एपिसोड में देखो एक पॉइजन आउल है हमारे पास, ये इटर्नल फायर आउल है, ठीक है, फिनिक्स का भी नाम कमेंट कर दो, और इटर्नल अल्फा आउल है, और एलिमेंटल लाइटनिंग आउल है, ठीक है, और ब्रूड मदर का भी नाम हो सके तो कमेंट कर दो, और मिडनाइट का तो चलो डार्क नाइट रखने वाला हूँ, ये गोस्ट वाइवन का नाम भी फटाफट कमेंट कर दो। और गाइस रात होने वाली तो मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे और मिलता हूँ आपसे सुबह होने के बाद क्योंकि मैंने इसको भी भाई फुल्ली लेवल अप कर दिया स्पीड में और भाई मज़ा आ गया है। तो 2 मिनट रुको, मैं यूँ गया और यूँ आया और मिलता हूँ सुबह होने के बाद। तो ऑलराइट गाइस, तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं फाइनली, और भाई ये हमारे पीछे तो नहीं लगा है, लगता तो ऐसा ही नहीं, लगा है लगा है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है लौंडा कहाँ है कहाँ है भाई, एक तो ये दिखता भी नहीं है, लगा लगा लगा, अरे अरे लगा 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 भाई, बहुत टाइम को बात बता, प्राइमल फियर खेल रहा हूँ, बहुत मतलब प्राइमल फियर क्या इटर्नल खेल रहा हूँ भाई, बहुत मज़ा आ रहा है सच में भाई, मतलब दिल खुश हो गया भाई, इटर्नल जैसी सीरीज कोई नहीं है सच में। भाई बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉइंग वाला है ये इटर्नल क्योंकि यार बहुत यूनिक यूनिक डायनोज है, बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत सारे बॉसेस हैं इसके अंदर, तो भाई और भी बहुत मज़ा आता है सच में, लिटरली बहुत मज़ा आता है खेलने में इसको, और मैं फुल इंजॉय करता हूँ सच में। प्राइमल फियर और इटर्नल
बहुत इंजॉय करता हूँ। पायरिया तो सबसे ज़्यादा भाई, पायरिया मेरी फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीरीज है जो मैं सबसे ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, क्योंकि आज भाई हमने, आज नहीं कल या परसों ही हमने भाई उसमें एक ऐसा बॉस मारा जो भाई अभी तक आर्क में किसी ने नहीं देखा था, 99.9% लोगों ने नहीं देखा था, और यार उस पर लाइक किया ही नहीं किसी ने। तो यार जल्दी जल्दी जाओ यार, लाइक करो इस एपिसोड पे भी, जल्दी 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 जल्दी, जल्दी जाओ रे बाबा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि 300 सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं। और जल्दी से जल्दी जाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और गाइस हो सके तो सपोर्ट करो, चैनल को शेयर करो, वीडियोस पे अच्छे अच्छे लाइक किया करो, कमेंट किया करो, तो भाई और मज़ा आएगा रे बाबा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत फन होने वाला है। गॉडज़िला मेगा मॉरेट सीरीज में तो भाई तबाही मचने वाली है, तबाही तबाही तबाही। अगर आपने उस एपिसोड नहीं देखा है तो यार जल्दी जाके देखो रे, क्या कर रहे हो बाबा, जल्दी जल्दी जाओ रे, देखो, जल्दी जाके देखो रे बाबा, जल्दी 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 जल्दी, देखो 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 रे बाबा, जल्दी जल्दी जाके देखो, आई बटन पे लिंक मिल रहा होगा, चैनल के एंड में भी लिंक मिल रहा होगा, तो जल्दी जल्दी जाके देखो रे बाबा, देखो 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 देखो, भाई कहाँ, क्या 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 करना, क्या चाहते हो रे पांडे जी, अरे पांडे जी जरा धीरे चलो, हमें आपको मारने में तकलीफ हो रही है। अरे भाई दिख ही नहीं रहा है कुछ भी, कहाँ है ये, है कहाँ पे, एक तो साला इनविजिबल है, दिखता भी नहीं है जल्दी से। जल्दी जल्दी यार, एक शॉट एक शॉट, बस ये सोने वाला है, बस ये सोने वाला है, सो गया, पानी में जा रहा है, जल्दी 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 पोशन, जल्दी कहाँ है, ओपी, स्पेक्ट्रल ग्रिफिन भाई साहब, स्पीड है के मजाक है, स्पीड है के मजाक है भाई साहब, मजा आ गया, अरे बड़ू मजा आ गया भाई, स्पेक्ट्रल ग्रिफिन को फाइनली टेम अप करने कर लिया, और 1.25 बिलियन का तो ऐसे ही डैमेज दे रहा है ये लौंडा, ओ बेटे मजा आ गई रे, मजा 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 आ गई भाई, मजा आ गया, पेड़ तोड़ने का नाम लेंगे कि नहीं लूंगा आज भाई, मैं अटक गया, और डाइव डैमेज चेक करते हैं किस पे करें, ये रहा बकरा मिल गया रे, डाइव डैमेज हुआ ही नहीं यार इसके ऊपर, डाइव डैमेज हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, शायद पता नहीं ये करता भी है कि नहीं करता है, और मुझे इसका फिर वो टेक वाला सैडल बनाना पड़ेगा। ओ बेटे इटरनल प्राइम मोटर, ओ बेटे मार खाएगा रे, प्राइम मोटर को मार रहे, ओ ओ रे बाप रे, अरे भाई धो दिया रे, अरे धो दिया, अरे धो दिया रे, अरे धो दिया, अरे ये धो गया, ये धुल गया भाई, ये धुल गया, हमारे सामने टिक पाए, लगता है आपको कोई टिक पाएगा, तो गाइस अभी मैं इसको लेवल अप करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, और मैं इसको सैडल वडल बना लेता हूँ, और भाई मेरे को मिडनाइट के लिए भी सैडल बनाना है, हमारे वाइब्रेंट के लिए भी सैडल बनाना है, तो भाई बहुत कार्य काम है रे बाबा, तो बस यू गया रे और यू आया रे बाबा, तो जल्दी जल्दी जाओ रे बाबा, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो हमारे वीडियोज़ को, तो ऑलराइट गाइस, और भाई मैंने इसको फुल्ली लेवल अप कर दिया, और इसका डैमेज हो चुका है 222 मिलियन का, और भाई साहब क्या स्पीड है लौंडे की, मैंने स्पीड इसकी 200 कर दी है, पर भाई मज़ा आ गया भाई सच में, और मैंने इसको टेक वाला सूट लगा दिया, क्योंकि मेरे पास पहले से पड़ा था, मेरे को पता नहीं था कि मेरे पास पड़े हैं, दो पड़े थे और वाइब्रेंट का भी एक पड़ा था, तो भाई मैंने लगा दिया, फ्री फोकर का पड़ा है तो भाई क्यों यूज़ ना करे, अरे तेरे को बहुत चुल मच रही है, ले बाबा तू आ जा रे, तू आ जा, नहीं तू पहले आ जा, नहीं तू ही पहले आ, भाई साहब देख रहे हो स्पीड है के मजा के, भाई एक कोने से दूसरे कोने में फटाक से ले फटक फटाक पुडुंग फटाक पुडुंग।
पड़क पुड़ुम पड़क पुड़ुम। भाई सब मजा है मजा। आई डोंट थिंक सो कि भाई ये बॉस के लिए बना है, पर भाई मैं बॉस के लिए इसको वैसे भी यूज़ नहीं करने वाला, मैं जस्ट इसको अपने फन के लिए यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि भाई। और हाँ यार, मेरे को डोडोरेक्स भी टेम करना पड़ेगा ऑफ कैमरा में, और भाई मेरे को टोकन वाला टोकन भी चाहिए होंगे। भाई बहुत सारे काम है ऑफ कैमरा में, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं बोल कर रहा हूँ मैं ऑफ कैमरा में। भाई इतने सारे डायनोस टेम करने हैं, और फिर भाई वो इवोल्यूशन वाला तो भाई नाक में दम कर देगा। दोनों को इवोल्यूशन करो, 5500 का लेवल अप करो, भाई साहब दिमाग की नसें खींच जाती है भाई उसमें। एक तो पहले से ही मैं बीमार हूँ, वो मुझे और बीमार कर देगा, वो मुझे कोरोना ना कर दे भाई। सच में डर लगता है भाई इवोल्यूशन से अब तो, कि भाई इतने सारे इवोल्यूशन वो भी एक साथ। और गाइस मुझे ये बताओ कि मैं आइस वाले कोई डायनो को इवॉल्व करूं कि नहीं करूं, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन कौन से डायनोस को आइस में इवॉल्व कर सकता हूं। आई रियली डोंट नो यार, मुझे पता नहीं है कि कौन कौन से डायनोस आइस में इवॉल्व होते हैं, सो बेटर वी नो यार, आप मुझे बता सकते हो तो बताओ यार कि कौन कौन से डायनोस आइस में स्पॉन हो, मतलब कर सकते हैं हम। और प्राइम ड्रैगन को भी मतलब टीम करना है फिर, और नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में पक्का बॉस फाइट करने वाला है, क्योंकि तब तक भाई मैं इसका सब कुछ कर पाऊँगा, मतलब क्या बोलते हैं टीम वेम कर लूँगा, क्योंकि भाई अभी इन सबको भी लेवल अप करना है। ये जो आप गेंग देख रहे हो ना इधर, ये 5-6 जने, इनको भी भाई 5-6 जने मतलब 6x500 कर लो, कितने बार क्लिक करना पड़ता है मुझे। और इसको मैंने 500 बार मतलब इसको 500 पॉइंट दिए, ये वाले डायनोस को, ठीक है। तो मतलब कितना ज़्यादा भाई इसकी स्पीड है कि मजा के गेम लैग करवा रहा है ये लौंडा। ओ भाई साहब ये लौंडा सच में गेम लैग करवा रहा है भाई, क्या हो गया? व्हाट? भाई इसने मुझे सुला दिया था भाई मेरे डाइनो को। और स्पेस पांडा भी टेम करना है मुझे, कमेंट करके बताओ मैं स्पेस पांडा को टेम करूं कि नहीं करूं। ये मुझे मेगाथीरियम को देख के याद आया कि स्पेस पांडा का, ओ भाई स्पेक्ट्रल गाचा जरूर टेम कर सकते हैं, कर सकते हैं अपन टेम स्पेक्ट्रल गाचा को, तो टेम कर सकते हैं, डोंट वरी अपन टेम सच में कर सकते हैं। और ये कौन सा ग्रिफिन? पॉइजन ग्रिफिन। भाई पॉइजन ग्रिफिन को भी टेम कर सकते हैं, नॉट अ बैड डील, नॉट अ बैड डील बॉय, नॉट अ बैड डील। ओए रोबोट ट्रैक्सवा, ओए रोबोट ट्रैक्सवा कैसे अनबा, हमें तुम्हारी चीजें चाहिए अनबा। ओ बेटे भाई प्राइम रेक्स, भाई प्राइम रेक्स को भी टेम करना बनता है यार, उसको भी इवॉल्व कर सकते हैं अपन भाई। इटर्नल में तो भाई बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बची है, मैं को सोच रहा था इटर्नल ख़त्म हो गया, पर ना भाई ना, इसके अभी तक बॉसेस भी इतने सारे हैं और भाई डायनोज भी इतने सारे हैं जो हमने अभी तक टेम नहीं किए हैं। पता है मेरे मैप में अभी भी एक स्पेक्ट्रल अर्जेंटेविस घूम रही है इतने टाइम से, तो मेरे को उसको भी टेम करना है, स्पेक्ट्रल अर्जेंटेविस को, वो भी जस्ट फॉर फन। ओके जस्ट फॉर फन एक रेक्स की आर्मी भी बनानी है, रिस्ट्रिक्टेड रेक्स। चेडन काइडेन मिल गया रे, चेडन काइडेन मारो रे मारो, सबको मारो, सबको पेलो, सबको धो डालो। और मैं ये भी ट्राई करूंगा कि भाई मेरा फिनिक्स जो है वो इवॉल्व होता है कि नहीं होता है, ठीक है ठीक है। तो फिर अपन भाई ये डोडो वायरन को भी टेम करना था यार, मेरे को डोडो वायरन को भी टेम करना है यार, मेरे पास था, मेरे को याद आया, मेरे पास था यार डोडो वायरन था, मेरे को टेम करना है। यस 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 भाई, यस 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 यस। तो ऑल राइट गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। आप मुझे बता सकते हो इटर्नल हमारा वापस आ चुका है भाई, तो आप मुझे बताओ कौन कौन से डायनो टेम करो, कौन कौन से बॉस फाइट करो। और भाई इस ग्रिफिन का नाम देना मत भूलना, जो नए डायनोज है उनका नाम भी देना मत भूलना, हो सके तो यार लाइक कर देना, 20+ लाइक का टारगेट है यार। मैंने करप्टेड वायरन को क्यों मार दिया, 20+ लाइक का टारगेट है। और न्यू सीरीज को चेकआउट करना तो बिल्कुल ही मत भूलना अरे बाबा। और भाई हमारी रिपर क्वीन को भी भाई मेरे को टेम करना पड़ेगा, पॉइजन वाली जो थी। तो मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक अगले खतरनाक एपिसोड में, तब तक के लिए साइनिंग आउट, पीस आउट, बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय।